हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद राय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की निफ्टी के एनालिसिस, फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, साथ में तीन स्टॉक देखेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिए। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी यार देखो, ऐसा ट्रेंड सा बना रहा है, डाउन ट्रेंड देखोगे तो एक तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है, बट बहुत इतना परफेक्ट नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड है। कल इस ट्रेंड को तोड़ता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो पहले टारगेट हम ये लेंगे और फिर दूसरा टारगेट ये लेंगे। दूसरा टारगेट हम तब लेंगे कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया भाई यहाँ कहीं आसपास, फिर थोड़ा इस लेवल पे सस्टेन करे या प्राइस एक्शन बनाए, इसको ब्रेक करे इस वाले लेवल को, फिर ये वाला लेवल हम टारगेट लेंगे, सेकंड टारगेट ये उस केस में। और जस्ट इन केस यहाँ कहीं आसपास खुल जाता है फ्लैट 15,500 रेंज में और नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो जैसे ही ये वाला स्विंग तोड़ेगा, इस स्विंग को तोड़ते ही हम इस वाले येलो स्पॉट को टारगेट लेंगे और ये टारगेट लेके अपना शॉर्ट करेंगे मार्केट को। निफ्टी में बस इतना करेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन 2 दिन अच्छा ट्रेड मिलने के बाद कल थोड़ा सा हो सकता है इनडिसाइसिव रहे कैंडल डेली चार्ट पे, तो वॉलेटाइल हो सकता है। आज भी था वॉलेटाइल, मतलब ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, तो फंसने वाले ऐसे ही फंसते हैं। तो टारगेट लेंगे, तुरंत टारगेट अचीव होते ही हटा देंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। फिर बैंक निफ्टी देख लेते। बैंक निफ्टी में परफेक्ट सा हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, थोड़ा सा शोल्डर राइट वाला नीचे गिरा हुआ है, पर कोई नहीं यार, हेड एंड शोल्डर तो हेड एंड शोल्डर होता है, बुक्स की तरह हर जगह परफेक्ट नहीं मिलता। तो ये वाला लेवल तोड़ेगा बैंक निफ्टी तो ये वाला टारगेट लेंगे सीधा, कोई इसमें फर्स्ट सेकेंड टारगेट नहीं है। टारगेट थोड़ा सा ऊपर करना चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, बट सेफ साइड के लिए यहाँ ही रखेंगे हम टारगेट अपना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अच्छा खासा गैप है, गैप कवर करेगा। शॉर्ट साइड के लिए निफ्टी को ही रखेंगे आज, कल के लिए भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे, थोड़ा सा नॉट बनी हुई है इधर, इसलिए शॉर्ट साइड के लिए नहीं प्रेफर कर रहे हैं फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी। और स्टॉक्स देख लेते हैं, तीन स्टॉक्स है हमारे पास। एच सी एल टेक देखोगे तो ये भी बुलिश ही है। बुलिश क्या है, मतलब अगर तोड़ेगा तब कल के लिए बुलिश ट्रेड मिलेगी हमें इस पर। इसने भी मतलब कोशिश की थी हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए, ऐसे देखोगे तो। एक मिनट यार, चार्जिंग में लगा दो बैटरी। हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर तो रहा है, बट क्योंकि इसके पीयर्स ने निफ्टी और सॉरी TCS और विप्रो ने अपसाइड मूव दिया है, तो इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफाई कर देगा इस हेड एंड शोल्डर को। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे हम। यार देखो, अगर बेरिश पैटर्न बनाने के बाद अगर पैटर्न फेल हो जाता है ना, तो दोगुनी दोगुनी स्पीड से तुमको टारगेट मिलेगा ये वाला कल। तो इसलिए मतलब ऐसे चार्ट पैटर्न कभी कभी मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना, क्योंकि जितने भी बेयर्स यहाँ बैठे होंगे अभी से पोजीशन बनाना स्टार्ट किए होंगे, उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा ये पोजीशन इस लेवल के टूटते ही, फिर हमें अच्छा टारगेट मिल जाएगा। ये भी मिल सकता है, फिर इसके ऊपर भी और टारगेट्स मिल सकते हैं, अगर बैठने की क्षमता होगी तो बैठना, 995 का टारगेट भी अचीव करने की कोशिश करना, बट इतना बेयर बुल मार्केट है नहीं, इसलिए यहीं तक अपना टारगेट लेंगे। फिर ट्रेल करके थोड़ा पोजीशन बुक करके थोड़ी बहुत कुछ क्वांटिटी बुक करके यहाँ का टारगेट देख सकते हैं, जैसा दिन रहेगा उस हिसाब से डिसाइड होगा। और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन मिलेगा तो भाई फिर तो अच्छा टारगेट मिल ही जाना है, सीधे यहाँ का टारगेट पकड़ना इस लेवल का, कोई उसमें तो वो तो है ही नहीं। फिर डिवीज लैब देखेंगे, डिवीज लैब में डेली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे डार्वास बॉक्स के बाहर क्लोजिंग दे दिए जिसने आज, कल का वेट करते हैं। कल अगर रीटेस्ट किया इसने यहाँ पे तब इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब कल इमिडिएटली कल का ट्रेड तो इसमें नहीं मिलने वाला है, बट आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड इसमें ली जा सकती है डीवीज लैब में। यहाँ तक की ट्रेड लेंगे इसमें, कुछ दिन और यहाँ पे थोड़ा सा इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करता तो मज़ा आ जाती, बट देखते हैं क्या होता है। कल हो सकता है दोबारा बॉक्स के अंदर आके क्लोजिंग दे दे, हो सकता है यहाँ पे दोबारा मतलब एक एक ग्रीन कैंडल और बना दे,
कल अगर ग्रीन कैंडल के साथ ही ये क्लोज होता है तो डे एंड पे इसको बाय कर लेंगे यहाँ के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखेंगे, स्टॉप लॉस कुछ खास हमें समय बेयर मार्केट चल रहा है तो ज़्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है, तो स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखेंगे इसके नीचे। यहाँ पे फिर रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था आज, अच्छी ट्रेड इसमें नहीं मिल पाएगी। सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद इसमें ट्रेड मिल गई होगी जो लोग शॉर्ट किए होंगे, पर बाइंग साइड में तो अच्छी ट्रेड नहीं थी। अब यहाँ देखोगे तो अच्छा खासा ट्रायंगल बना रहा है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ यहाँ वॉल्यूम बढ़ रखी है और स्टॉक हो रहा है क्या कहते हैं यार, कन्फाइन हो रहा है, मतलब एक तरह से प्रेशर पड़ रहा है और स्मॉलर जोन में होते जा रहा है। जब ऐसा होता है ना, जब प्रेशर पड़ता है स्टॉक्स पे तो उनके प्राइस वो होते हैं एक, मतलब एक जोन में कंटेन्ड हो जाते हैं, बहुत कम रेंज में अप डाउन मूव करते हैं फिर तो, और अगर उसमें वॉल्यूम भी हो उसके साथ तो अच्छा ब्रेकडाउन भी मिल सकते हैं, ब्रेकआउट मिल सकते हैं। तो रिलायंस कल हम दोनों साइड के लिए रखेंगे, अप साइड में तो इतना अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा बट डाउन साइड के लिए मिल जाएगा। और ऐसे केस सिनेरियो में हम टारगेट रखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पैटर्न, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। तो ऐसा करेंगे हम रिलायंस में ट्रेड, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रखा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ी हुई है, स्टॉक में मतलब प्राइस मूवमेंट कंफाइन हो रही है, कम स्पेस मिल रहा है, स्पेस और कम होती जा रही है, फिर धीमे से मतलब ब्लास्ट करेगा एकदम से, या तो अपसाइड या तो डाउन से। लंबा टारगेट मिल सकता है यार, मतलब ये तो मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ तुम्हें, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है स्क्रीन के ऊपर तो और लंबा टारगेट ले सकते हो यहाँ पर इजीली। यहाँ पे देखो एक जोन भी है, लेवल बन रखा है, ये टारगेट तुम्हें मिलेंगे कल के लिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।